नमस्कार जी, मैं मंजू। आज नवंबर की 20 तारीख है और हम आज जो है लहसुन लगाना सिखाएंगे। तो लहसुन जो लगाना बहुत ही आसान है, इस पे मेरे बहुत सारे वीडियोस आपने पहले भी देखे होंगे। तो कई तरीक़ों से हम इसे लगा सकते हैं। तो मैंने कई साल पहले जो वीडियो डाला था, जैसे चावल वाले बैग होते हैं उसमें खूब सारे होल्स बना के उसमें जो आप लगा सकते हैं, और एक बैग में खूब सारे लहसुन तैयार हो जाते हैं। तो छोटी छोटी बास्केट में भी लगा सकते हैं। तो चलिए, लगाने से पहले जो है इसके बारे में मैं कुछ जानकारी दे लूँ। वैसे तो जिनके खेत खलिहान होते हैं और ज़्यादा जैसे टेरेस वगैरह पे जगह होती है जहाँ क्यारियाँ वगैरह होती हैं, तो खूब लोग इसे मैच्योर करके पूरी तरह से हार्वेस्ट करना भी पसंद करते हैं। बट मैं जो है इसे इसके ग्रीन्स के लिए लगाना पसंद करती हूँ। तो उससे क्या है कि हमें ग्रीन्स तो मिलते ही मिलते हैं, जैसे सूप, सब्जी वगैरह और चटनी वगैरह बनाने के लिए, और साथ में जो इसकी क्लोव्स होती हैं ना, वो भी हमारे इस्तेमाल हो जाती हैं खाने में। तो अगर ये हम डिपेंड करता है कि हम इन्हें जल्दी से हार्वेस्ट करें चाहे बाद में करें, जैसे भी हम करना चाहें। तो चलिए, अब लगाने से पहले इसके बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी पा लेते हैं। तो ये हमारा लहसुन है। लगाने से पहले हम इस तरह से भी थोड़ा सा पानी डाल के ऐसे तैयार कर सकते हैं। 5-6 दिन थोड़ा सा पानी डाल के इसके नीचे के हिस्से को पानी में रखना है। तो मैंने पुराने वीडियो बनाए हुए, आप सर्च कर सकते हैं। और 5-6 दिन में ये इतनी लंबी लंबी पुक्कें जो हैं इनमें, ये ग्रीन्स जो हैं इनके निकल आते हैं। और इस तरह से ये कलियाँ अलग अलग करके, जहाँ ये क्लोव भी इन्हें कहते हैं और पंजाबी में तूरी भी कहते हैं, जहाँ तूरियाँ भी बोलते हैं, अलग अलग करके इन्हें ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए, लगाने से पहले इसके बारे में जानकारी दे दूँ। इसको पूरा नहीं डुबोना है, बस जड़ को ये पानी जो देख रहे हैं ऐसे ऐसे बस रख देना है, तो ये निकल आते हैं इसके। तो ज़रूरी नहीं कि आपने ऐसे करना है, तो आप चाहें ये अलग अलग ये कलियाँ निकाल के भी दबा सकते हैं। और जब सीज़न आता है ये लगने का, तो अपने आप ही ये खूब सारे हरे भरे तैयार हो जाते हैं और निकल आते हैं ये। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्रॉप है जिसे इंडिया में मसाले के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ये प्याज की फैमिली से बिलोंग करता है और ये बल्ब की तरह उगता है। इसमें खूब सारे जो है न्यूट्रिएंट्स होते हैं और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी इसमें खूब सारी होती है। तो इसको पेन रिलीफ के लिए और पेट की बीमारियों को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो है फास्फोरस, कैल्शियम, प्रोटीन वगैरह खूब होता है। ये सेंट्रल एशिया का नेटिव है। इसमें दो तरह की वेराइटीज़ होती हैं, एक ऐसी जिसमें छोटी कलियाँ क्लोव्स जो होती हैं, जो मैं कली दिखाई ना, जैसे ये वाली ये कलियाँ होती हैं, तो वो छोटी कलियाँ होती हैं, क्लोव भी कहा जाता है इन्हें। तो छोटी जो, और दूसरी जो वेराइटीज़ ऐसी होती हैं जिसमें बल्ब और क्लोव्स दोनों बड़े साइज़ के होते हैं। बल्ब जो हुआ जैसे ये हमारा पूरा, ये पूरी गांठ आती है, तो ये बल्ब, और अलग अलग कलियाँ कर लें तो वो क्लोव होती है एक। तो जो दूसरी वैरायटी होती है जो बड़े साइज़ की, जिसमें कि मैंने बताया ना कि बड़ा बल्ब और क्लोव्स भी बड़े होते हैं, तो उन्हें ज़्यादातर जो है पहाड़ी इलाकों में लगाया जाता है। तो हम चलते हैं कि प्रोपगेशन इसकी कैसे की जाती है। तो इसकी प्रोपगेशन इसे ये क्लोव से ग्रो किया जाता है। अलग अलग कलियाँ जैसे ये दबा देनी है आपने, ये इससे ग्रो किया जाता है। और लगाने का जो टाइम है, सीज़न है, तो मैंने ये बोला ना कि जब सीज़न आता है लगाने का, तो अपने आप ही इसमें स्प्राउट भी कईयों में निकल आता है। ज़रूरी नहीं कि आपने वेट करना है स्प्राउट निकले, बिना स्प्राउट निकले भी आप इन्हें लगा सकते हैं। तो इसे सितंबर और नवंबर तक नॉर्थ इंडिया और प्लेन्स इलाकों में लगाया जाता है। मिट्टी इसे रिच फर्टाइल मिट्टी पसंद है। मिट्टी में नाइट्रोजन की खाद मिला लें, और धूप इसे कैसे चाहिए, ये ठंडे जो हल्के ठंडे इलाकों में अच्छे से चलता है, और ये ठंडे सीज़न की क्रॉप है। लेकिन ये उन जगहों में सबसे अच्छे से चलता है यहाँ साल भर जो टेम्परेचर जो है मॉडरेट रहता है, जैसे कि ना ज़्यादा ठंड और ना ज़्यादा गर्मी। तो इसे पूरा दिन की धूप लगवाएं, लेकिन बहुत तेज डायरेक्ट जो सनलाइट से इसे बचाएं। तो पानी कैसे देना है, तो इसे जो है हल्की मिट्टी, मॉइस्ट मिट्टी से पसंद है। और ये नहीं करना है कि कभी खूब सारा पानी डाल दिया और कभी पानी की कमी कर दी, तो इससे फिर है कि ग्रोथ अच्छे से नहीं होती है। और जब आपने हार्वेस्ट करना है, वो कैसे करना है, जब प्लांट आपका पूरा पीला हो जाए और
पीला होके सूखने लगे तो फिर आप इसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। बट मैंने जैसे बताया ना आपको कि मैं इसके ये ग्रीन्स के लिए इसे ये जो ग्रीन्स है इसके लिए लगाना पसंद करती हूँ, तो इसे फिर आप जब मर्जी हार्वेस्ट कर सकते हैं। और ये कली जो है नीचे क्लोव ये भी आपके काम आ जाएगी ये भी, और जैसे जैसे ये अगर मिट्टी में अब हम इसे लगा देंगे तो ये फिर और ज़्यादा प्लांट जब इसकी ग्रोथ होगी तो कलियाँ ये छोटी छोटी पत्तियाँ भी आप इसमें से निकाल सकते हैं और जब मर्जी इसको निकाल लो जैसा आपका मन करे। तो चलिए अब हम इसे ग्रो करते हैं। तो मैंने ये इस तरह से इसको ये पूरे बल्ब को ये अलग अलग से ये कर लिया है, ये देखा तो रूट्स सबके अलग अलग जैसे आ गई हैं। और लगाना ये बहुत ही आसान है, जैसे एक एक अलग अलग से लगाना है। तो ऐसे गड्ढा करके ये छोटी सी बास्केट जो ये गली मोहल्ले में मिलती है ना 10 रुपए की, तो इस तरह से ये गड्ढा करो और ये रूट बिठानी है आपको ये ऐसे इस तरह से ये, और ऐसे ढक दो इसको मिट्टी से, ये दबा दो। और ये नहीं लगाना चाहते तो मैं ये आपको सूखी भी बता देती हूँ, और सूखी अगर आप लगाना चाहे तो ये ऐसे गड्ढा करके बस ये इतना ये इतना करना और ऐसे दबा देना है इसको ये, तो ये भी आपका लग जाएगा। कि जरूरी नहीं कि आपको ये इस तरह के बनाने हैं, तो मैं ये पूरे इसी तरह से लगाती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और मिट्टी अच्छे से पानी पहली बारी दे लेंगे, सूखी मिट्टी है हमारी ये। तो ये मैंने लगा दिए हैं, कुछ बिना स्प्राउट वाले भी लगा दिए हैं, और पानी अच्छे से ये दे लेना है, ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया हो जाना चाहिए, मिट्टी को बस मॉइस्ट ही रखना है। तो इसको चाहे आप 4-5 घंटे की धूप में रख दो, इसका कोई अभी फ़र्क नहीं पड़ता, तो आराम से ये निकलेगा। जैसे छोटी पौध होती है तो हम कहते हैं कि छाया में रखना है, तो इसके लिए ज़रूरत नहीं होती। तो इसका हमें मैंने बताया ना कि दो फायदे होते हैं, एक तो हमें वो जो ग्रीन्स इसके मिलते हैं, और जब तक इस मौसम में आप खूब सारा लगा सकते हैं, और जब ये ग्रीन्स निकालते रहो और नीचे जो तूरी है उसका बल्ब बनेगा और वो बड़े साइज़ का धीरे धीरे होता रहेगा, तो अपने हिसाब से जब मर्जी आप हार्वेस्ट कर लो। और बिना जो जिनके स्प्राउट नहीं निकले हैं वो भी मैंने बीच बीच में लगा दिए हैं। तो मैं तो ये भी करती हूँ कि कुछ कुछ गमलों में जहाँ जहाँ जगह मिलती है वहाँ वहाँ कोई कोई ऐसे इसके जो क्लोव्स हैं दबा देती हूँ। तो यहाँ कहीं गमले के आसपास मुझे लगता है कि थोड़ी सी जगह है, तो वहाँ भी इसकी कोई अधिक कली 1, 2 या 4 की जगह हो तो दबा दो, तो ज़्यादा जगह भी नहीं लेते तो वहाँ भी ये हो जाते हैं। और तो और ये मिट्टी को बढ़िया बनाते हैं, और फंगस वगैरह और कई सारी बीमारियों से जो मिट्टी है बढ़िया रहती है, सुरक्षित रहती है। तो मेरा ख्याल है अब आप समझ गए होंगे। तो इसको लगाने के लिए बहुत बड़े बड़े पोट्स या उनकी ज़रूरत नहीं है, अपने ज़रूरत के हिसाब से छोटी छोटी बास्केट में भी ग्रो कर सकते हैं। और मिट्टी को हेल्दी बनाए रखने के लिए कोई कोई कलियां जो बीच में